I'm so happy to be here. और देखिए ये शास्त्रीय संगीत और जो फिल्म संगीत को लेकर के जो शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले यहाँ पे हैं, आप लोग जय जो यहाँ पे करने वाली हैं, इस मिशन में मैं लगा हुआ और ये मिशन ऐसा है कि वैसे तो मैं आई रिटायर्ड एज एडिशनल मेंबर फ्रॉम द रेलवे बोर्ड, सो दैट वाज माय प्रोफेशनल लाइफ, बट I studied Hindustani classical music for 3 years as a subject and then pursued it as a hobby and now it is a passion. So music is a passion for me. मैंने 11 वर्ष की एक तपस्या जैसी की और उसमें टीम के साथ कुल 17,000 हिंदी फिल्मी गीतों का राग विश्लेषण किया है 1931 से लेकर के 2017 तक के, अभी 2018 तक की भी किया है, यानी आलम आरा जो पहली फिल्म बनी हुई है उससे लेकर के टक्स ऑफ हिंदुस्तान तक के भी उनका मैंने राग विश्लेषण किया है, किस किन किन रागों पे वो सब गीत हैं, चयनित गीतों में। दो एक चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं, उसको खासतौर से आप जो हमारे कलाकार हैं उनको जरूर सुने। कितनी फिल्में बनी होंगी अभी तक आपको अंदाजा है? टोटल 87.5 वर्षों में 1931 से लेकर के अभी 2018 जून तक का जो फिगर है वो 13,321 फिल्में हिंदी, उसके अंदर 79,800 सॉन्ग्स, उनमें से जो अवेलेबल सॉन्ग्स हैं वो करीब 65,000 हैं, वो सब मेरे पास है क्योंकि आई एम कलेक्टिंग ऑल द म्यूजिक एंड आई गॉट अराउंड 2,500 हिंदी मूवीज इन माई कलेक्शन एंड ऑल्सो अराउंड 3,500 इंग्लिश मूवीज इन माई कलेक्शन एंड अराउंड 3 लाख ऑफ रिकॉर्डिंग्स विद मी, सो राइट फ्रॉम 1902 ऑनवर्ड्स आई कीप कलेक्टिंग एंड एंजॉयिंग लिसनिंग एनालाइजिंग एंड ऑल दोस थिंग्स दे आर देयर, तो ये सब चल रहा है। सबसे ज्यादा गीत किस गायक ने गाए हैं कोई बताएगा? हमारे जो सब यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा गीत किस गायक ने गाए हैं? गायक मेल सिंगर किशोर, हिंदी फिल्म, इट इज मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी 4,583 गीत उन्होंने कुल गाए और फीमेल सिंगर्स में सबसे ज्यादा किसने गाए? इट इज नॉट लता मंगेशकर, आशा जी 8,000 से ज्यादा गाए हैं, लता जी के 6,000 से कुछ कम है 5,900 समथिंग, किशोर कुमार के गीत टोटल 2,905 जिसमें से 2,600 गीत हिंदी के हैं और 2,600 में से 2,300 गीत आराधना के बाद के, यानी 300 गीत उन्होंने इतने लंबे 1948 जिद्दी में जो पहला गीत गाया था उससे लेकर के और तब आगे तक था। ये देखिए कितना अद्भुत संसार है हिंदी फिल्मी गीतों का और इसमें 174 राग मैंने देखे हुए हैं, 174 डिफरेंट रागास, सबसे अधिक राग पहाड़ी, भैरवी, खमाज, ये सब बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। अभी आपने जो गाना गाया था मैं उसमें ढूंढा रहा था, वो गाना शुद्ध रूप से झिझोटी पर राग झिझोटी, यानी आरोह में भी कोमल निषाद है और अवरोह में भी कोमल निषाद है, तो इस तरह का झिझोटी का बहुत और अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, वो भी झिझोटी है, तो इस तरह से लेकिन कम गीत है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग एंड यू सैंग इट सो वेल, योर डॉटर सैंग इट सो वेल, आई मस्ट से। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक गीत अभी किसने गाया था? हाँ, नागा चुन्नी में राग इतना बढ़िया गाया था, दैट वाज सो सो गुड, उसका तराना में ढूंढ रहा था, ये तराना में जो बोल आते हैं उनको उनको उनके बारे में जरूर जानिएगा, ये दीन ताना ना दे तानून ताम दाजरे नादिर लिखा है ना, तुम दानी दा दानी, ये सब पर्शियन वर्ड्स हैं और तुम दानी यानी तुम जानते हो, मैं जानता हूं, इसका अर्थ ये होता है, तो ये दे हैव गॉट देयर मीनिंग्स ऑल्सो, जो भी ये बीच में पूरा तराना बोला जाता है ये सब अमीर खुसरो के टाइम से शुरू हुआ है 15वीं शताब्दी, तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, ये सब पार्ट हैं उसके, सिंधु भैरवी और भैरवी में वो है गीत नागा चुनरी में राग का। एक और गीत बहुत सुंदर प्रस्तुत किया था
मैं सुनकर के वाकई मंत्रमुग्ध हो गया। वो इतना सुंदर गाया था जो मुकेश की आवाज वाला गीत था। कभी कभी मेरे दिल में हाँ नहीं कभी कभी का ही था कभी कभी वाला सो गुड आई टेल यू पीपल सिंग सो वेल इतना अच्छा गाते हैं आप सब लोग जैसे लगता है कि मुकेश जी की आत्मा बस गई है वो अभय जी शायद सो गुड आई टेल यू इतना सुंदर संसार है संगीत का जिसमें आप सब लोग डूबे हुए हैं मैं भी डूबा हुआ हूँ मैं यहीं पर रहता हूँ आई एम रिसाइडिंग इन सुशांत कॉल सिटी ओनली आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम रेलवे बोर्ड सो आई एम रिसाइडिंग हियर ओनली एंड मैंने ये एक राग विश्लेषण किया हुआ है जो उस हिंदी सिने राग एनसाइक्लोपीडिया के नाम से प्रकाशित भी है और उसमें 17,000 गीतों का राग विश्लेषण है अद्भुत है हर गीत में राग है शास्त्रीय संगीत हर गीत में उपलब्ध है चाहे वो शुद्ध रूप में हो या उसमें